Assalamualaikum to all my viewers and students. स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोक्रोम 450 इनहिबिटर्स एंड इंड्यूसर्स और मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं तो इनहिबिटर को ज़रा हम लोग एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं इनहिबिटर्स वो ड्रग्स होते हैं जो एनजाइम्स को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से वो एनजाइम अपना फंक्शन नहीं प्रॉपर्ली कर पाते और रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है कि वो जिसको सब, जिस सबसट्राइड पर वो लोग एक्ट कर रहे होते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो सबस्ट्राइट कोई ड्रग ही है तो उस ड्रग का लेवल

इंपॉर्टेंट उसकी कंसन्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स की और बहुत डिफरेंट किस्म के ड्रग्स की जो है कंसनट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर वो उस कंसनट्रेशन को रीच ना करें तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो करते तो सो वो सब थेरापूटिक रिस्पॉन्स जो होता है तो ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है आप इन्हेबिटर्स के लिए जो ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है वो है सिक फेसिस को एम जी ये ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसके बाद आ जाता है विथ ए सी क्यू सिख फेसिस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास से हमारी एक, एक एंटीबायोटिक आती है सल्फोना माइट एस फोर सल्फोना माइट आई से आ जाती है इंडिनावेयर विच इंक्लूड्स प्रोटीस मतलब नीना भी रिप्रेजेंट कर रही है प्रोटी एस इनिबिटर्स को ठीक हो गया फिर सी से आ जाती है क्लोरम फेनिकोल के से कीटोकोनाजोल एफ से फ्लूकोनाजोल एंड इटराकोनाजोल सो इट रिप्रजेंट ऑलमोस्ट ऑल द इजोल्स ठीक है तो ऑलमोस्ट ऑल फेसिज फेसिस में आ जाता है फ्लूकोनाजोल इट्राकोनाजोल अल्कोहल जो है एक्यूट हो तो वो इनहिबिटर का, का काम करती है और अगर वो क्रॉनिक हो तो वो इंड्यूसर होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने याद रखना है फिर सी से आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्साइसिन ई e से आ जाता है इराथ्रोमाइसिन इराथ्रोमाइसिन के साथ आप लोगों ने क्लैरिथ्रोमाइसिन को भी याद रखना है एंड देन कम्स एस फॉर सोडियम वेल फिर आ जाता है को एम जी को एम जी में आ जाता है सिमिटिडन सिमिटिडन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनहिबिटर ठीक है इसका अक्सर पूछ लेते हैं एम सी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फिर आ जाता है ओ से ओमिप्राजोल मेट्रोनिडाजोल एंड जी से ग्रेपफ्रूट जूस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेपफ्रूट जूस फिर आ जाता है वीट विट विट में आ जाता है वीराट पैम्बल आई से आ जाता है आइसोनियाजे टर्बेना ऐसे आ जाता है एम सी से आ सॉरी एम्योडोर ए से आ जाता है एम्योडोर ठीक है ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है उसके बाद आ जाता है सी से साइक्लोस्पोरिन क्यू से क्विनीडाइन आ जाता है क्विन एंड क्विनोप्रस्टिन भी आ जाता है एंड एंडेल्फोप्रेस्टिन भी आ जाता है ठीक हो गया तो ये सारे इन्हे बटर एम बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं ठीक है तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है और जिन उसके बाद आ जाता है इंडि मेमरी प्रॉब्लम है वो रब भी जितनी इलमा ज़्यादा पड़ा करें ठीक है ताकि इनसे ये मेमरी जो है आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाए इसके अलावा आप लोगों ने मेहनत भी पूरी करनी है ठीक है तो ये सिक फेसेस को हम जी विद एसीक्यू उसके बाद आ जाता है इंड्यूजर्स इंड्यूजर्स में आप लोगों ने याद रखना है स्क्रैप जीपीएस बीटी अब आप लोग इसको किस तरह से याद रखोगे कि निमोनिक है कि स्क्रैप जीपीएस इंड्यूसेस बीटी स्क्रैप का पता है आपको क्या मतलब होता है जीपीएस आपकी लोकेशन को स्टोर करता है और टीबी यानी इसको आप लोगों ने इसका से याद रखना है कि किसी आप ख़राब जगह पर जाओ या इस तरह की जगह पर जाओ जहाँ पर वबाव फैली हो तो टी होने के चांसेस होते हैं ठीक है ये इन्हें मॉर्निक के तौर पर याद रखना है वैसे स्क्रैप से आप लोग क्या क्या याद रखेंगे नंबर वन आ जाता है एस टी जॉन वॉट ठीक है जो कि घर बड़े है इट इज़ एन एन्जाइमेंट ड्यूजर्स फिर आ जाता है कार्बामासी एंड क्लोराल हाइड्रेट जो स्क्रैप है वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंड्यूज़र्स हैं ठीक है इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है सीख पॉइंट ऑफ व्यू से खास खासतौर पर एनवाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आ जाता है रेफेम्पिन एंड रेफेम्पिस अल्कोहल अगेन क्रौ, अगर क्रॉनिक है तो फिर वो इंड्यूज़र है अगर एक्यूटली है तो फिर वो इन्हेबिटर uh, होगी फिर आ जाता है फैनिटोइन जी से आ जाता है ग्रीजियोफुल्विन एंड ग्लूकोकोटिकोल फिर पी से आ जाता है जी में पी से आ जाता है फिनोबारबिटोन एस से आ जाता है uh, सल्फोनाइल यूरियाज भी, भी आ जाते हैं एंड स्मोकिंग भी आ जाता है स्मोकिंग जो है वो खास खासतौर पर इसका इंजाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको ये इंड्यूस करता है साइटोक्रोम वन एट टू ठीक है उसके बाद आ जाता है टी बी में टेट्रासाइक्लिन एंड बारबिचूरेट्स आ जाते हैं ठीक है सो दीज वर्ज द एंजाइम इन्हेबिटर्स एंड इंडियूजर्स इन्हेबिटर्स के लिए सिक्स फेसिस को एम जी विथ ए सी क्यू एंड इंडियूजर्स के लिए स्क्रैप जी पी एस इंडियूस टी बी ठीक है इंड्यूज आप लोगों ने जैसे ऐसे याद रखना है उससे कोई कुछ नहीं बनता स्क्रैप जी पी एस इंड्यूज टी बी ठीक ओके ये बात अब आप लोगों ने इसको एक और मजीद मैं आपको बता दूँ कि जो आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों टॉप के जो टी बी एनटी टी बी ड्रग्स हैं एक है आइसोनियाज और एक है रेफेम्पिन ठीक है दोनों इंक्लूड हैं इंक्लूडम आइसोनियाज इसको इस तरह से याद रखना कि इसकी ज़िद है ठीक है जिस तरह से वो डू वर्ड होता है जिद कि इसने इन्हेबिट करना है ठीक है तो जो इसमें आ जाता है रेफेम्पिन एंड रेफेम्पसिन ठीक है इसमें ज़्यादातर जो और जो एंटी एपिलेप्टिक जो है वो ज़्यादातर इंड्यूज़र्स हैं जैसे फैनिटोन हो गया ठीक है ना फिनो बार्बीटोन वगैरह हो गया एंड बारबीचूरट बारबीचूरट्स तो आ जाते हैं ना सो सी एन एस ड्रग्स ज़्यादातर इंड्यूजर्स आ रहे हैं जबकि सोडियम वेलफोरेट है एक इनहबिटर भी ठीक होगी हमारे पास बात और इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ड्रग इंट्रैक्शन पर सीरीज बनाऊँ ठीक है जिसमें आप लोग के ड्रग इंटरेक्शन एब्जॉर्प्शन से लेकर एल, एलिमिनेशन तक और फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन फॉर फार्माको इंटरेक्शन तो कमेंट में जरूर कीजिएगा ठीक है और ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इल्म को फैलाना जो है वो एक सवाब का काम है ठीक है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़